क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसको हल करना है, उसके लिए इसकी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको भी इधर होना चाहिए, प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद इनकी वैल्यूज बना लें, एक्स स्केयर है वो ए होती है, जो एक्स का कोफिशेंट है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट है उसका कोफिशेंट सी होता है। यहाँ फार्मूला लगा देंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी ओवर 2a। वैल्यूज रख दें, 7 प्लस माइनस बी स्केयर, बी 7 है उसका स्केयर, माइनस 4 ए 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, सी माइनस 15 है यहाँ माइनस 15 रख देंगे ओवर 2a। ए की वैल्यू क्या है? 2। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो की समझ आ रही है सवाल की, नहीं आ रही, ये मेथड ठीक है नहीं ठीक। ठीक है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। माइनस 7 प्लस माइनस, 7 का स्केयर 9 होता है, माइनस और माइनस प्लस, 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 120 ओवर 4। तो जो 120 प्लस 9 हो जाएगा 129। अब चूंकि 129 के ना कोई पेयर बनते हैं, ना फैक्टराइजेशन होती है, और ना ही और कुछ होता है, तो ये इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 3 का थर्ड पार्ट जो है ना, इसको हम ओ सॉरी 7 का जो स्केयर है ये 49 आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 169। सॉरी ये गलती हो गई, तो 169 आएगा। तो 169 का जजर होता है 13, तो ये अब हल हो जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस के साथ 13 और एक दफ़ा माइनस 13 के साथ, 13 में से 7 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर 4। सेम टेबल से कटिंग हो रही है तो काट देंगे, 2 3 6, 2 2 4, तो ये आ जाएगा 3/2। नीचे भी जा सकते हैं चूँकि जगह थोड़ी थी इसलिए मैं उधर ले गया, इधर भी वही बात होती है, लामते एक जैसे जमा कर लेंगे, 20 आ जाएगा बटा 4। ये भी सेम टेबल से कटिंग हो सकती है, 4 1 4 5 0, तो ये माइनस 5 आ जाएगा इस तरह। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 वाला पार्ट, जिसमें ए बराबर 2 था, बी 7 था और सी माइनस 15। तो ये आ गया माइनस 7 माइनस 7 4, ए बी सी इनकी वैल्यूज रखती ओवर नीचे 2 2 4। तो बाकी आप देख लें, अभी जो है इसका फोर्थ वाला पार्ट भी देख लें, एक्स स्क्वायर जमा 7 ओवर 6 एक्स इक्वल टू 1/2। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, प्लस से इधर आकर माइनस हो जाएगा। अच्छा ये देखें, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए बराबर 1 है, बी बराबर 7/6 है और सी बराबर 1/2 है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे हल किया ना तो ये बड़ा मसला बनेगा, बार बार एलसीएम करने पड़ेंगे। फिर हल ये है कि हम इसको पहले यानी सीधा पतला कर लेते हैं, तो उसके लिए ये चाहे तो देसी एलसीएम कर लें, कोई भी, मैंने 3 मेथड आपको सिखाए थे 6.4.1 में। तो यहाँ मुझे जो आसान लग रहा है वो ये है, क्योंकि हमने इसको बस सीधा करना है, आगे हल नहीं करना। तो
इन दोनों का कर लें इधर एलसीएम, 236 212 3 रह गया 3 1 3, ये आएगा 6, सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 7 ओवर 6, 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 6, 0 मल्टीप्लाई 6, सबको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर, 6 6 से कैंसिल 7x, 2 3 6, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रह जाएगा इक्वल टू 0, 6 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाती है, ये सीधा हो गया। तो a बराबर 6, b बराबर 7 और c बराबर -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर -4ac बटा 2a। यहाँ तो आसान ही है, बस ये चीज़ देख लें आप, इसको इधर ले आएँ, नीचे वाली जितनी भी रकमें उनका एलसीएम कर लें, जो आंसर आए सबको उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो कटिंग शटिंग करके हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। वैल्यूज़ बस रखनी है, अब बी की जगह माइनस वैसे ही है, बी की जगह 7 प्लस माइनस बी 7 का स्केयर -4, ए की जगह 6, ये वैल्यूज़ है ना यहीं से रखेंगे, -3 ओवर 2, ए क्या है 6, -7 प्लस माइनस 7 का स्केयर 49, माइनस माइनस प्लस ये 72 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 12 6 72 होता है, 2 6 12, इनको जमा कर लें, ये 121 आ जाएगा ओवर 2 ओवर 12 है, तो वन ट्वेंटी वन का जो स्केयर होता है वो 11 होता है ओवर 12, एक दफ़ा प्लस से हल कर लेंगे एक दफ़ा, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, एक दफ़ा प्लस 11 ओवर 12 और एक दफ़ा माइनस 11 ओवर 12, तो ये 4 आ जाएगा माइनस करने से, क्योंकि लामते मुख्तलिफ हैं, ओवर 12 सेम टेबल में आ रही, कटिंग कर देंगे, 4 1 4 4 3 12, लामतें एक जैसी हैं तो जमा करते हैं, लामत बड़ी रकम की लगाते हैं, नहीं समझते कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 18 बटा 12, तो 6 3 18 6 2 12 ऐसे कटिंग हो गई है। तो ये जी हमारा पार्ट नंबर था 3 और 4। तो वीडियो अगर ऑनलाइन देखते हैं तो आप लोग कमेंट लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें, जैसे ओके लिख लें, बाय लिख लें, कुछ भी लिख लें।